आज हम जाएंगे लॉन्ड्री में। हो गया। मेरी प्यारी वॉशिंग मशीन, अब अपना काम ठीक से करना। इसकी बेल्ट तो टूट गई है, हमें इस बेल्ट को बदलना पड़ेगा। फिर ये मशीन ठीक हो जाएगी? ठीक तो हो जाएगी, पर ये बेल्ट आने में 4-5 दिन का टाइम लगेगा। क्या? ये तो बहुत बड़ी परेशानी की बात है। मुझे इन मैले कपड़ों का कुछ तो करना ही होगा। बारिश की वजह से मैं इन्हें धो नहीं पाई। वैसे मॉम, आपको ये कपड़े पहले धो लेने चाहिए थे। क्या करूँ, वक्त ही नहीं मिला। तब क्या करेंगे? ये महंगा तो पड़ेगा, लेकिन लगता है अब मुझे कॉइन लॉन्ड्री जाना चाहिए। कॉइन लॉन्ड्री? बॉइन लॉन्ड्री? क्या कहा, बॉइन लॉन्ड्री? नहीं, कॉइन लॉन्ड्री। कॉइन? पर बॉइन अच्छा है। मतलब होता है कि हम वहाँ पैसे देकर वॉशिंग मशीन इस्तेमाल कर सकते हैं, समझे? आज मेरी समझदार मॉम पैसे देकर वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करने वाली है। तुम्हें पता है? पिंग पॉन्ग, ये पर्चा देखो, ये कॉइन लॉन्ड्री अभी नई खुली है। ये लोग हर नए कस्टमर को 50% डिस्काउंट दे रहे हैं, मतलब आधे पैसों में काम हो जाएगा। अब हमेशा डिस्काउंट ही की ढूंढती रहती हैं। तो इसमें बुरा क्या है, फायदा ही है। ठीक है। हाँ, लोग पहुँच गए। वो देखो, वो रही कॉइन लॉन्ड्री। चलो अब जल्दी से कार पार्क कर देते हैं। नहीं, हम जिस काम के लिए आए हैं पहले वो काम करने दो। चलो आओ मेरे साथ, नहीं तो देर हो जाएगी। एक बार दुकान में जाओगे तो तुम कुछ खरीदने को कहोगे। नहीं कहूँगा मॉम। ये तो अंतरिक्ष यान की तरह है ना? अरे नहीं, यहाँ तो बहुत से लोग आए हुए हैं। लगता है मेरी तरह सब लोग डिस्काउंट देकर यहाँ आए हैं। यहाँ तो बहुत वक्त लगेगा। मॉम, आप सोच के रही हैं, कपड़े धोइए ना। हाँ बेटा, मैं उठकर चेक करती हूँ कि कौन सी मशीन खाली है। अच्छा ठीक है, मैं अभी चेक करके आती हूँ शिनचैन। हाँ, मुझे दुकान में जाने का मन है। नहीं। हाँ, लाल लाइट का मतलब खाली नहीं है। अरे नहीं, अगर हम कपड़े नहीं धो सकते तो हम घर चलें क्या? मजाक मत करो, हम इतनी दूर से यहाँ आए हैं तो मैं बिना कपड़े धोए यहाँ से नहीं जाऊँगी। लगता है उनका काम खत्म हो गया है। अरे वाह। लगता है अभी मुझे और इंतजार करना होगा। कितना वक्त लगेगा? अब मैं क्या कह सकती हूँ। अच्छा तो फिर मॉम, मैं दुकान में घूम कर आऊँ? नहीं, अगर हम दुकान में चले गए और पीछे से कोई मशीन खाली हो गई तो मैं अपना ध्यान रख सकता हूँ मॉम। है, तुम जा सकते हो, पर देखो वहाँ किसी को परेशान मत करना। नहीं करूँगा, नहीं करूँगा, पक्का पक्का। तो फिर तुम जाओ। जरा सुनिए मॉम। क्यों, क्या हुआ? मुझे जूस खरीदने के लिए थोड़े पैसे दे दीजिए ना। नहीं, तुम पानी पी लेना। पानी पी लूँ? तुम्हें पैसे नहीं मिल सकते। अरे नहीं, अरे नहीं, हमेशा मॉम मुझे पानी पीने के लिए कहती है। उन्हें शायद पता नहीं कि जूस कितना टेस्टी होता है। क्या ये जूस टेस्टी है? जूस तो हमेशा टेस्टी ही होता है। ये बात कोई मॉम को क्यों नहीं समझा कर आता? जाओ समझा कर आओ। प्यास लगने पर कोई पानी थोड़ी पीता है, वो तो जूस से ही मिटती है। अरे वाह, ये तो चोको चिप्स का नया फ्लेवर लगता है। मैं चोको चिप्स खाना चाहता हूँ, मैं जूस भी पीना चाहता हूँ, पर मैं क्या करूँ, पैसे ही नहीं है। अब बिना पैसों के यहाँ पर घूमने का फायदा ही क्या है। ऐसा करता हूँ, जब मॉम के कपड़े धुल जाएंगे तो उन्हें यहाँ लाकर कहूँगा कि प्लीज मुझे चोको चिप्स और जूस दिला दीजिए ना मॉम। वो मान ही जाएंगी। तो फैसला हो गया। बहुत ही टेस्टी लग रही है। अरे आप यहाँ पर क्या कर रही है? अरे शिनचैन, तुम यहाँ किसके साथ आए हो? मॉम के साथ। आप क्या खरीद रही हैं? आज मैं सोच रही थी कि क्यों ना डिनर में मैं कुछ अच्छा बनाऊं। मुझे पूरा यकीन है कि यहाँ पर भी कोई सेल लगी होगी। अरे मैं सेल के लिए यहाँ पर नहीं आई हूँ, इसे ले सकूं। और मेरी भी तो कुछ जरूरतें हैं। तुम मेरे पीछे पीछे क्यों आ रहे हो? क्या तुम यहाँ पर अकेले आए हो? मॉम लॉन्ड्री शॉप में है। हा? वो लॉन्ड्री में क्या कर रही है? हमारी वॉशिंग मशीन खराब हो गई है। अच्छा अच्छा, तो ये बात है। जूस दिलाने के लिए शुक्रिया। क्या, अब तो यहाँ बैठना ही पड़ेगा। फिलहाल तो बैठने के अलावा और कोई चारा भी नहीं है मेरे पास। लेकिन शिनचैन वापस क्यों नहीं आया? हुँ?
माफ कीजिएगा, क्या ये खाली हो गई? बहुत अच्छा हुआ, पर मेरे पास तो चार थैले हैं। मुझे एक और मशीन की जरूरत, तो अब मैं अपना काम शुरू करती हूँ। वॉशिंग पाउडर, वो तो मैं लाना ही भूल गई। पर वेंडिंग मशीन तो वहाँ पर है, मुझे बगल की दुकान से ही खरीदना होगा। फिलहाल तो मैं इस तरह यहाँ से जा भी नहीं सकती। शिनचैन को इतनी देर होगी, अभी तक वापस नहीं आया। अच्छा तो अब घर वापस जाने का टाइम हो गया, चलो शिनचैन। ये तो मिट्सी दीदी है। मुसाई तुम यहाँ, ये ले लो। अरे क्या हुआ है आपको? बाद में बताऊंगी, इसका ध्यान रखना तुम। दीदी मेरी बात, जा यहाँ से जल्दी। अरे नहीं, फिर से इंतजार करना पड़ेगा। नहीं, तुम आखिर कर क्या रही हो? अरे मामा, आपने अभी तक अपनी धोनी भी शुरू नहीं की। शिनचैन तुम कहाँ थे? तुम्हें जल्दी वापस आना चाहिए था। रहने दीजिए, आज कपड़े नहीं धुल पाएंगे मम। नहीं, अब तो मैंने वॉशिंग पाउडर भी खरीद लिया है। मैंने भी वॉशिंग पाउडर खरीदा है। हा? ये देखो, हम दोनों ने एक ही कंपनी का वॉशिंग पाउडर लिया है। हा? अच्छा तो इसका मतलब तुम भी कपड़े धोने आई हो, पर तुम यहाँ थोड़ा जल्दी भी तो आ सकती थी। मुझे इसके बारे में नहीं पता था। अरे वाह, अब दोनों तो एक जैसे ही हो। ये कपड़े तो धुल गए। क्या धुल गए? अब आपकी बात। लेकिन अब तो कपड़े धोने में बहुत सारा वक्त लग जाएगा ना मम। हाँ, और अभी तो मुझे खाना भी बनाना है। आपको मेरे लिए भी बनाना पड़ेगा। तुमने फैसला कर लिया, तुम हमारे घर पर ही खाना खाओगी। पर चलो पहले मैं कपड़े धो लेती हूँ। सुखाने में बहुत टाइम लगता है, इसलिए सुखाऊंगी नहीं। आज तो मेरे बस आधे कपड़े ही धुल पाए, और मुझे वॉशिंग पाउडर भी खरीदना पड़ गया, और साथ ही मेरी बहन भी आ गई। अरे आप ऐसे मत कहिए दीदी, अभी तो घर पहुँच कर मुझे कपड़े भी सुखाने होंगे। है? ये क्या? बारिश हो रही है, मुझे दिख रहा है। क्या मैं रात में आपके घर रुक सकती हूँ? आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? हाँ, तुम्हारी जो मर्जी आए करो। हाँ, अब रुक सकती है, हमें बिल्कुल बुरा नहीं लगेगा। हाँ, आज तो दिन ही खराब था।